मेरे देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है, बहुत आपका महिलाएं और पुरुष जो कैंडिडेट, खास करके जो मेडिकल हॉस्पिटल जॉब के लिए, जो आपका मेडिकल पैरामेडिकल जॉब के लिए जो कैंडिडेट सुपेक्षित जो कैंडिडेट्स है, सबको सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस की सक्सेस प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं मनोज आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। आज जैसे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। ये जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो कि एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक रिसर्च सेंटर है। और यहाँ जो जो आपका मेडिकल वैकेंसी के लिए, इसमें जो वैकेंसी कुछ इस तरह है, जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर्स वैकेंसी है जिसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका एक्सरे टेक्नीशियन है जो रेडियोथेरेपी, आपका एक्सरे टेक्नीशियन जो रेडियो डायग्नोसिस, और आपका रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें चार प्रकार की जो वैकेंसी है। दोबारा दोहराता हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ। नर्सिंग ऑफिसर, इसमें मेल आपका जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है आपका, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड आपका जो एक्सरे टेक्निकल आपका रेडियोथेरेपी, नेक्स्ट हो गया आपका एक्सरे टेक्निकल रेडियो डायग्नोसिस और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो चार तरह की जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में जो जिमपर की तरफ से जवाहर इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पे बताना चाहूँगा आपका, ये जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन में जो तमाम डिटेल्स मैं कवर करूँगा, इसमें देखिए सारे डिटेल्स, कुछ डिटेल्स तो आपको पढ़ना होगा, जो खास करके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह जो कवर करूँगा इसमें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है रहेगा, सेकेंड थर्ड में देखिए आपका नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी, वैकेंसी डिटेल्स, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आपका इस वैकेंसी के लिए एजुकेशनल जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और सैलरी, यहाँ पे आपका स्किल ऑफ एग्जामिनेशन और आपका एग्जाम जो सिलेबस है, आपका एज रिलैक्सेशन, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट जो आपका देखिए हाउ टू अप्लाई, नेक्स्ट हो गया आपका एग्जाम सिटीज, कौन सी सिटी में आपका एग्जाम्स होंगे, आपका हॉल टिकट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा और किस तरह से आपको जो मार्क जो है अवार्ड किया जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये तमाम जो सर्टिफिकेट्स, कौन सी सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी है, कौन सी सर्टिफिकेट जो है, कौन सी फॉर्मेट के हिसाब से आपको तैयार करना होगा, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरा देश के हर एक युवा पीढ़ी तक, शहर से लेकर गांव तक, गली तक, हर गली और हर मोहल्ला तक ये नोटिफिकेशन को मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो इसलिए मेरा देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है, सबको सबसे पहले निवेदन करता हूं, जो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ धैर्य के साथ बने रहिए, ताकि एक बेहतरीन आपका नोटिफिकेशन है, बेहतरीन आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो जिमपर है, या परमानेंट जो 100% परमानेंट आपका जॉब है, ठीक है, और इसके एडिशनल बेनिफिटिज, बहुत सारे बेनिफिटिज है, तो आप लोग सभी कैंडिडेट्स को मैं निवेदन करूंगा, जो इसके लिए जो अपेक्षित जो कैंडिडेट्स है मेडिकल जॉब के लिए, शुरू से लेकर अंत तक आराम से धैर्य के साथ बने रहिए, ताकि एक वीडियो में चाहता हूं हर एक जो इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं। देखिए ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन को शुरू करने से पहले सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार को सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं, जो कैंडिडेट्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या पहले से विजिट करता आ रहा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग लगातार जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल को जॉब सेल्स जो है सब्सक्राइब करें, उसके साथ उसका बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोजाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको जॉब जो नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। सेकंड चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है पक्का इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपका फ्रेंड सर्कल के बीच में, जो फ्रेंड सर्कल है आपके रिलेटिव सर्कल में जो कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनके बीच में शेयर कीजिए, ताकि उसमें से कोई ना कोई बच्चा जो इन्हीं पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एडमिन है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका जिमपर जो है जवाहर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो नंबर्स जारी किया गया है, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जारी किया गया है, किसी प्रकार का अगर आपको जो है इंक्वायरी अगर करना होगा तो आप जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है और इसका ये जो इसका जो पोस्टल एड्रेस है, ठीक है। चलिए अभी इसका नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे,
देख सकते हैं, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 21 जुलाई 2022 सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोजेस होगा यहाँ पे देख सकते हैं 11/8/2022 को आपका जो लास्ट डेट है क्लोजिंग हो जाएगा। उसके लिए आपका रिटर्न जो आपका सीबीटी के लिए, सीबीटी एग्जाम के लिए जो डाउनलोड करेंगे हॉल टिकट, ये 25 अगस्त 2022 को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है आपको हॉल टिकट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो पोस्ट है, यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो पोस्ट है आपका नर्सिंग ऑफिसर है यहाँ पे, नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, आपका रेडियोथेरेपी, थर्ड पोस्ट है आपका एक्सरे जो टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस, और हो गया फोर्थ में हो गया रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये सभी का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 4 सितंबर 2022, 4/9/2022 को जो है आपका एग्जामिनेशन हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वालिटी, जो आपका ट्रेड टेस्ट, जो आपका स्किल टेस्ट के लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट में बाद में। यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन नंबर है, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 13 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट वैकेंसी आपका नर्सिंग ऑफिसर, ये जो नर्सिंग ऑफिसर है इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। 70% वैकेंसी जो है लेडीज के लिए, 30% वैकेंसी जो है आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल वैकेंसी, ये ग्रुप बी का पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 128/65, इसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी EWS के लिए 16 है, OBC के लिए 24 है, SC के लिए 10 है और ST के लिए आपका 13 वैकेंसी है। इसका पोस्ट कोड आपको याद रखना होगा ताकि ऑनलाइन सबमिशन के समय आपको पोस्ट कोड ही देना होगा, ठीक है। सेकंड में देखिए पोस्ट कोड, देखिए आपका एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, टोटल 3 वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपका EWS, एक वैकेंसी आपका SC, एक वैकेंसी आपका ST के लिए दिया गया है। थर्ड जो वैकेंसी आपका, यहाँ कोड नंबर देख सकते हैं, देखिए एक्सरे टेक्नीशियन आपका रेडियो डायग्नोस्टिक, 6 वैकेंसी टोटल है, 3 वैकेंसी आपका EWS, 1 वैकेंसी आपका SC, 2 वैकेंसी आपका ST के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो चौथी वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे कोड नंबर दिया गया है, आपका रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं क्लियर कर दिया हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ, जो नर्सिंग ऑफिसर का जितना भी वैकेंसी है 70% जो वैकेंसी लेडीज के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स 30% वैकेंसी जो है आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें ये देखिए इसको देख लीजिए, देखिए आपका जो 80% जो वैकेंसी है वो है आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 20% है आपका जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, खास करके जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का, बाकी के लिए ऐसे रिजर्वेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखिए नर्सिंग ऑफिसर जो PWD कैंडिडेट्स के लिए 8 पोस्ट जो है वो रिजर्व है, और आपका एक्सरे टेक्नीशियन जो रेडियो डायग्नोस्टिक उसका एक वैकेंसी जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है बिल्कुल रिजर्व है। यहाँ पे देखिए जो ग्रुप बी पोस्ट, अभी बात करते हैं इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले यहाँ मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ देखिए सबसे पहले आपका जो वैकेंसी है वो है आपका पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका BSc ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, BSc ऑनर्स में जो नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपका BSc ऑनर्स होना चाहिए, नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, अन्यथा आपका BSc के बाद जो पोस्ट सर्टिफिकेट आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट डिप्लोमा इन आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो GNM कहते हैं, ठीक है, डिप्लोमा उसमें होना चाहिए, GNM में होना चाहिए और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें दिया गया है आपका 2 ईयर्स का यहाँ पे जो GNM कोर्स वाला है, खास करके GNM जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट और इंडियन नेशनल काउंसिल में होना चाहिए, 2 साल की एक्सपीरियंस उनका होना अनिवार्य है जो 50 बेडेड वाला जो हॉस्पिटल में। अभी बात करते हैं इनका पे स्केल की। पे स्केल देखिए जो सिर्फ पे स्केल मतलब ये सिर्फ बेसिक सैलरी है 44,900 है, आपका पे लेवल 7 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया है। एज लिमिट की बात करें अपटू 35 ईयर्स तक जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी, इसके लिए देखिए इसका पोस्ट कोड दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी हो सकता है या BSc इन रेडियो थेरेपी, ठीक है, और नहीं तो सेकंड में AERB ई लोरा रजिस्ट्रेशन विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसके साथ साथ आपका होना चाहिए। AERB जो है आपका आइटम जो यहाँ पे जो AERB है
ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी आपका बोर्ड है, ई लोरा जो है आपका ई लाइसेंसिंग, जो आपका रेडिएशन एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें जो है आपका 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन एस्टेब्लिश्ड सेंटर, ठीक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्पेक स्केल की बात करें 35,400 आपका जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगा, इनको 7th CPC की सबसे अवेलेबल 6 के अंदर शामिल किया गया है। अप टू 30 ईयर्स तक का आप इस पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपका BSc इन रेडियोग्राफी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 3 ईयर्स कोर्स, और कोई इक्विवेलेंट 3 ईयर्स कोर्स है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट, ठीक है, उसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे देखिए पे स्केल जो है गया स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगा सिर्फ ओनली बेसिक पे 35,400, पे लेवल 6 के अंदर शामिल किया गया अप टू 30 ईयर तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो बचा है ये ग्रुप सी का पोस्ट है। ग्रुप सी में देखिए आपका कोड हो गया आपका पोस्ट कोड नंबर आपका यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पिरेटरी आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन है जो कि आपका ग्रुप सी का पोस्ट है। इसके लिए देखिए BSc MLT हो गया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, BSc आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो इन प्लमनरी जो आपका पल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी और एलर्जी लेबोरेटरी और आपका रेस्पिरेटरी एलर्जी और आपका इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी, 1 ईयर ट्रेनिंग जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के ऊपर आपका होना चाहिए, ठीक है, ये डिजायरेबल में है। बट आपका अगर BSc MLT है डिग्री है तो आप इस जो पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगा 29,200, अवेलेबल 5th के अंदर एज पर 7th CPC इस पोस्ट को शामिल किया गया है। एज लिमिट अप टू 30 साल तक इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तमाम जो सारे पोस्ट के लिए जो बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जामिनेशन जो एग्जाम सिलेबस कुछ इस तरह रहेंगे आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CBT। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी एक्सरे टेक्नीशियन आपका रेडियो डायग्नोसिस आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी आपका टेक्नीशियन, ये सभी के लिए देखिए जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें 70% क्वेश्चन उसी में होंगे आपका जो ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और जो 30% बच गया इसमें जनरल आपका जनरल एरियाज लाइक आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स जो 30% क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका देखिए 100 MCQ होंगे, हर एक जो क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा 4 मार्क का होगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, हर एक जो क्वेश्चन का 4 मार्क होगा और समय अवधि आपको 1.5 घंटा दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, आपका जो स्किल टेस्ट करवाए जाएंगे जो कि बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए होगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट जो लागू है सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए है और इसका डेट एंड टाइम जो है अनाउंस किया जाएगा जो लेटर स्टेज में किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कैटेगरी वाइज जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो CBT का कुछ इस तरह रहेंगे आपका स्किल टेस्ट और जो आपका CBT है CBT का कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज कितना होना चाहिए। देखिए आपका जो CBT का देखिए यूआर और जो अनरिजर्व कैटेगरी आपका EWS के लिए 50% होना चाहिए, ये आपका CBT में और स्किल टेस्ट में भी आपका 50% होना चाहिए। आपका जो यूआर और EWS PWD कैंडिडेट्स है अनरिजर्व कैंडिडेट्स है PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% और इसमें CBT में और आपका जो स्किल टेस्ट में 50% होना चाहिए। जो SC ST OBC जो कैंडिडेट्स है इसमें 40% आपका CBT में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए और आपका जो स्किल टेस्ट में 50% जो है होना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए देखिए 5 साल की रिलैक्सेशन होगा, यहाँ पे 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपका PWD जो कैंडिडेट्स है PWD कैंडिडेट्स जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी या EWS से जो PWD कैंडिडेट्स है डिसेबिलिटी कैंडिडेट 10 साल है, आपका OBC का जो PWD जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है 13 साल की है, SC ST का कोई जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है 15 साल की इसमें जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें अतिरिक्त कुछ डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी दिया हुआ है जिसमें मैं सेल्फ स्टडी लिखा हूँ, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जो कैंडिडेट्स को पढ़ना है वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें देखिए टोटली जो नोटिफिकेशन को मेरा टेलीग्राम में एक पेज है वो टू सक्सेस के नाम से
उसमें मैं शेयर करूंगा इस संपूर्ण नोटिफिकेशन को। जो कैंडिडेट्स पढ़ना चाहते हैं वो मेरा टेलीग्राम जो पेज में ज्वाइन करके उसमें डाउनलोड कर सकते हैं जो है नोटिफिकेशन को, ठीक है। ये जो है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, ये जो प्योरली जैसे बताया गया ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा, जो वेबसाइट मैंने बताया था, जो वेबसाइट में जो अप्लाई करना होगा वो तो आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए पूरा एप्लीकेशन का इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, उस हिसाब से आप पढ़ के इसको प्रोसेस कर लेना। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है, ये आपका यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल इक्वल सेक्शंस के लिए 1500 रुपया, और ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर लगता है तो ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपया आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जेस है एप्लीकेशन फी है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1200 आपका जो चार्जेस लगेगा। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, जो डिसेबिलिटी के डिसेबल कैंडिडेट्स है, सिर्फ उनके लिए जो एग्जम्प्टेड है छूट दिया गया, उनको कोई फीस भरना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि मैंने सेल्फ स्टडी लिख दिया हूँ। जो कैंडिडेट्स इसको पढ़ना चाहते हैं, थोरली पढ़ना चाहते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, सिग्नेचर और जो फोटोग्राफ को जो अपलोड करने का जो तमाम तरीका है जो नोट से यहाँ पे दिया गया है। जो कैंडिडेट्स इसको पढ़ना चाहते हैं इसको आराम से पढ़ के आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका डिस्क्लेमर वो भी सेल्फ स्टडी लिखा हूँ, तो कैंडिडेट्स जो इसको पढ़ना चाहते हैं इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम सिटी। सारे का मन में क्वेश्चन होगा तो एग्जाम सेंटर्स कहाँ से होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये आपका ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो इंडिया से हर कोने से बच्चे जो है इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपका बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया जो है हर यूनियन टेरिटरी और हर राज्य से जो कैंडिडेट्स जो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, देखिए आपका पांडिचेरी, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर, आपका कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, आपका कोयम्बटूर, मदुरई, आपका सलीम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनबली, आपका बेलूर, ठीक है। और एनी अदर अगर सेंटर अगर अगर चॉइस करना होगा दैट वाज डिसाइडेड बाय द डायरेक्ट आपका जिपमर के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका हॉल टिकट, ये जो हॉल टिकट के बारे में, हॉल टिकट जो होगा आपका फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन जो सीबीटी के लिए जो कि अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट में, उसको आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो डूज और डोंट, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें डूज और डोंट में दिया हुआ है। जो कैंडिडेट्स इसको पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवॉर्डिंग ऑफ मार्क, मार्क किस तरह दिया जाएंगे, आप जो टेस्ट देंगे इसके लिए आपको मार्क किस तरह दिया जाएगा, इसमें क्लियरली लिखा है आपका हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे, और हर एक गलत आंसर के लिए देखिए सीधा 1 मार्क जो है आपको काट दिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको बताया गया हर एक जो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क, हर एक गलत आंसर के लिए आपको -1 मार्क किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, जो रिव्यू के लिए 0 मार्क, और गलत जो नहीं आंसर नहीं किया हुआ वो तो 0 है ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट देखिए आपका कैटेगरी वाइज जो डिक्लेयर किया जाएगा, कॉमन मेरिट लिस्ट, इसमें मेरिट लिस्ट जब तैयार किया जाएगा, देखिए कॉमन मेरिट लिस्ट इसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए अलग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैंडिडेट्स के लिए अलग मेरिट लिस्ट, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस के लिए अलग मेरिट लिस्ट, शेड्यूल कास्ट आपका शेड्यूल ट्राइब हर एक के लिए जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट, जो आपका वैकेंसी और कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, जो यहाँ पे देखिए जिम्पर जो डिसीजन जो डिसीजन जिम्पर का डायरेक्टर या जो टीम है वो लेंगे वो फाइनल होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई ये सुनवाई नहीं होगी। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं जो कैंडिडेट्स इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन देखिए ये पांडिचेरी का, ये पांडिचेरी से आपका जिपर जो है आपका जोहर इंस्टीट्यूट ऑफ आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि पांडिचेरी से 13 जुलाई 2022 डायरेक्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप जो एनेक्स ईयर 1 में ये कम्युनिटी आपका कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट है बैकवर्ड क्लासेस के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन देखिए यहाँ पे जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना होगा, प्रस्तुत करना होगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आपका जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 24 कैटेगरी के डिक्लेरेशन जो है कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, जो कि उसी हिसाब से आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट आपका देखिए जो EWS कैंडिडेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो कैंडिडेट्स है, यहाँ पे देखिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो कि प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे ये जो आपका जो फॉर्मेट है, ये लेटेस्ट फॉर्मेट है जो जिम्पर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो SC/ST कैंडिडेट्स है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। इसी फॉर्मेट के तहत आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट देखिए आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी यहाँ जारी कर दिया गया है। जो कैंडिडेट डिसेबल कैंडिडेट्स, इसी फॉर्मेट के तहत आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है तैयार करना होगा। यहाँ पे एक एनेक्सर भी में देखिए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाई द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो खास करके इससे पहले ये जॉब्स अप्लाई करने से पहले जो कैंडिडेट्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अगर पहले से कार्यरत है, अगर इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये इस फॉर्म के तहत आपको ये जो सर्टिफिकेट है आपको जो प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यही था जो नोटिफिकेशन का डिटेल नोटिफिकेशन संपूर्ण जानकारी था जो मैंने कवर किया। उम्मीद करता हूँ मेरे देश के तमाम युवा पीढ़ी जो बोथ महिला एंड पुरुष जो कैंडिडेट्स खास करके मेडिकल पैरामेडिकल जो जॉब के लिए और जो अपेक्षित है, अच्छे से नोटिफिकेशन को समझ जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी प्रकार कन्फ्यूजन रहता है, ये जीपर का एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है, उसी नंबर पर आप फोन करके जो है आपका डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ इसी नोटिफिकेशन को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।